सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और यहाँ साइड बार पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं वीडियो टूल में, ये देख सकते हैं साउंड विद स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन आ गया है, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी जो वीडियो है यूट्यूब की, कोई भी वीडियो है सॉन्ग वाली, यहाँ पे चल रही है। मैं आपको आवाज़ भी सुना के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं अपने एमआई रेडमी फ़ोन में। अगर आपके पास रेडमी का 12 5G है या फिर रेडमी एमआई का कोई भी फ़ोन है और आपको इस तरीके से YouTube वीडियो को स्क्रीन ऑफ करके प्ले करना है, बैकग्राउंड में प्ले करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे एक वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ सर्च बार में डालिए साइड बार। साइड बार डालेंगे आपको ऊपर वाले साइड बार पर क्लिक करना है, ना कि सिक्योरिटी वाले ऐप पर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये इस तरीके से ऑफ दिखे तो सबसे पहले सो इस तरीके से प्ले वीडियो वाला ऑप्शन ऑन कीजिए, उसके बाद दूसरा वाला ये कीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो ऐप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपका जो यूट्यूब है इसे ऑन कीजिए और आप जो भी ऐप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो उसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। अब आपको देखो दूसरी चीज का क्या करनी है, आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन दिखेगी जिसका नाम होता है सिक्योरिटी, इस तरीके से, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को आपको दबा के रखना है, जैसे ही दबा के रखेंगे यहाँ पे एक ऐप इनपो करके ऑप्शन खुल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इससे क्लियर डाटा कर देना है इसका, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, क्लियर डाटा करने के बाद अब यहाँ पे आपको फिर से उस पर दबा के रखना है, यहाँ पे ऐप इनपो पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट का, इस पर क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे देखो आपको फिर से अपनी सेटिंग में जाना है, यहाँ साइड बार डालना है, साइड बार पे क्लिक करना है और ये ऑप्शन यहाँ से बंद हो तो इसी ऑप्शन को यहाँ से क्या करना है, ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ऑन करेंगे उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब पे क्लिक करना है और जो भी वीडियो है उसे प्ले करनी है। वीडियो प्ले करेंगे इस तरीके से, वीडियो प्ले करने के बाद आपको यहाँ साइड बार पे क्लिक करना है, ये देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन और यहाँ पे 5 सेकंड तक आपको वेट करना है। जैसे आप वेट करेंगे और ओके करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो यूट्यूब की जो वीडियो है ये देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में चल रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बंद चालू भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं हमें। हाँ, एक चीज़ आपको मैं और बताने वाला था, अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको देखेगा सिस्टम अपडेटर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिक्योरिटी, ये ऐप आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको इसका क्लियर कैच, क्लियर डाटा और या फिर अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑप्शन वो दिख जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।